हरियाणा पंजाब तो बेकार बदनाम है, आओ कभी उत्तर प्रदेश। हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है, आओ कभी उत्तर प्रदेश। रंगबाजी क्या होती है हम तुम्हें बताते हैं, न गुंडई पे गाना बनाते हैं, न गाड़ी जाट गुज्जर लिखाते हैं, हमारे यहाँ 5-5 साल के लौंडे कट्टा चलाते हैं। अभी अभी आपने जो वीडियो देखा, मैं बता दूं, इन मोहतरमा का नाम है प्रियंका मिश्रा। जी हाँ, सन 2020 में उत्तर प्रदेश के आगरा के अंदर इनकी नियुक्ति हुई थी एज ए महिला कांस्टेबल। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन इन्होंने क्या किया, अभी कुछ समय पहले अपने ऑफिस के अंदर बैठकर यूनिफॉर्म के अंदर एक वीडियो बनाई और उस वीडियो के अंदर लिपसिंग कर रही थी। उसकी कुछ लाइनें इस प्रकार से थी कि हरियाणा और पंजाब के तो यूं ही बदनाम है, कभी आइए यूपी में, वहाँ के 5-5 साल के लौंडे भी कट्टा लेकर चलते हैं। हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है, आओ कभी उत्तर प्रदेश। हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है, आओ कभी उत्तर प्रदेश। रंगबाजी क्या होती है हम तुम्हें बताते हैं, न गुंडई पे गाना बनाते हैं, न गाड़ी जाट गुज्जर लिखाते हैं, हमारे यहाँ 5-5 साल के लौंडे कट्टा चलाते हैं। अब इस छोटी सी वीडियो को लेकर के ये इतनी ट्रोल हुई सोशल मीडिया पे, इतनी ट्रोल हुई कि इन्होंने उस ट्रोलिंग से ही तंग आ करके अपना इस्तीफा ही मांग लिया। और वहां के एसएसपी मुनिराज ने उस चीज को गंभीरता से भी लिया और इस्तीफा स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप आज की डेट में प्रियंका शर्मा नौकरी में नहीं है। उसके बाद इन्होंने कई वीडियोज और बनाई जिसमें ये स्पष्टीकरण देती नजर आई कि इन्होंने इस वजह से ये वीडियोस बनाई थी। राधे राधे, मैं प्रियंका मिश्रा। सबको पता है कि मेरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और अब तो लोग जो है यूट्यूब पे, इंस्टा पे मेरी वीडियो अपने अकाउंट में या पोस्ट कर रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा मुझे ट्रॉल कर रहे हैं। प्लीज़ ना करें, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और ना परेशान करें। और सब कह रहे हैं मैंने बहुत ज़्यादा अभद्रता की है, अपराध कर दिया है, इतना बड़ा क्राइम कर दिया है मैंने, और जॉब से निकाल देना चाहिए, भर्ती उतरवा लेनी चाहिए। अगर सच में ऐसा लगता है तो मैं अपनी मर्जी से जॉब छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं जॉब छोड़ लूँगी, और जिन लोगों को भी मुझसे प्रॉब्लम है मैं जॉब छोड़ दूंगी, लेकिन मुझे ट्रॉल ना करें प्लीज। अब उसके बाद और क्या क्या हुआ कि क्योंकि ये 2020 में ही भर्ती हुई थी तो ट्रेनिंग का इनके डिपार्टमेंट ने लगभग 1,52,000 रुपए का हरजाना बीन से वापस मांग लिया। इतना सब होने के बाद इन्होंने एक बात और बताई, इन्होंने बताया कि अगर आप लोग खुश नहीं हैं मेरे ऐसे काम से तो उन चीजों से कैसे खुश हो जाते हैं जो बॉलीवुड के अंदर यूनिफॉर्म पहन करके हीरो हीरोइन जब डांस करते हैं और वर्दी का मजाक उड़ाते हैं, वो चीजें ये पब्लिक कैसे एक्सेप्ट कर लेती है, कैसे स्वीकार कर लेती है। अगर मेरा यूनिफॉर्म पहन करके कुछ बातें बोल देना आपको पसंद नहीं आ रहा तो वहां पर लोगों को कैसे पसंद आ रहा है। उसके जवाब में जब डिपार्टमेंट से बात की गई तो डिपार्टमेंट वालों का कहना है कि वर्दी पहन करके वीडियो बनाना तो ठीक था, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने पुलिस की लाइसेंसी रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया वो कहीं नाजायज था, वो नागवार गुजरा। तो ऐसे में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा मांग लिया और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं लगभग 1.5 लाख रुपए की रकम भी इनको चुकानी पड़ी हरजाने के स्वरूप। अब बात दरअसल ये है कि जो इन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपने पेज के ऊपर जो बात कही है कि बॉलीवुड के अंदर जो फिल्में चलती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे समाज का आईना होती हैं, मार्गदर्शक होती हैं, उन्हीं फिल्मों से लोग सीखते हैं, तो मेरे वीडियो छोटी सी वीडियो बनाने से इतनी नाराजगी। और लंबे समय से जो बॉलीवुड के अंदर यूनिफॉर्म पहन करके रिवॉल्वर के साथ जिस प्रकार से तरीके से फिल्में बनाई जाती हैं वो ये समाज कैसे स्वीकार कर लेता है। तो मेरा अंत में सवाल आप दर्शकों से है कि आप लोग इस वीडियो बनाने को कितना जायज ठहराते हैं, प्रियंका मिश्रा ने जो वीडियो बनाई उसको किस प्रकार से लेते हैं और जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसको किस नजरिए से देखते हैं, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर जुड़ूंगा और फिर वहां पर विचार विमर्श किया जाएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
धन्यवाद।